पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में ड्रामों की कहानियां लिखने में एक मशहूर राइटर असमा नबील का नाम भी शामिल है, जिनकी काफ़ी हद तक पाकिस्तानी अदाकारा और सिंगर हदीका कियानी से शक्ल मिलती जुलती है। मशहूर ड्रामा सीरियल खानी भी इसी असमा नबील ने लिखा था और अब पिंजरा ड्रामे की खूबसूरत कहानी असमा नबील के कलम का कमाल है। एक से एक अच्छा ड्रामा इस वक्त हमें पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है, जिसमें मोस्टली प्यार मोहब्बत और लव स्टोरीज पर मबनी ड्रामाज हैं। मगर कुछ ड्रामाज ऐसे नशर किए जाते जो माशरे में मौजूद अफराद पर उनकी ज़ाती जिंदगी पर बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। जी हाँ, ये पिंजरा ड्रामा सीरियल भी एक ऐसा ड्रामा है जिसमें वालदैन के लिए एक सबक भी है कि कैसे बाज़ औक़ात वालदैन के गलत फैसले उनके बच्चों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं। पिंजरा ड्रामा खास तौर पर हर वालदैन के लिए ही रिकमेंड किया जा रहा है कि अपने घरों के माहौल को बेहतर बनाने और खास तौर पर अपने बच्चों के साथ अच्छे तालुकात बनाने के लिए पेरेंट्स को ये कहानी लाजमी देखनी चाहिए। इसी हवाले से रिसेंटली पिंजरा ड्रामे की मशहूर अदाकारा ने एक शो में कहा कि इस ड्रामे ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। बात करें इसी पिंजरा ड्रामे में वजिया का किरदार करने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस सुनीता मार्शल की, जिन्होंने 2009 में हसन अहमद से शादी की। एक्ट्रेस सुनीता मार्शल खुद क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखती हैं, जबकि इनके शोहर हसन अहमद मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका एक खूबसूरत सा बेटा और एक ही प्यारी सी बेटी भी है। सुनीता मार्शल ने रिसेंटली पिंजरा ड्रामे के हवाले से कहा कि इस ड्रामे में एक्टिंग करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हम अपनी जाती जिंदगी में अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों के साथ कंपेयर करके उनकी जिंदगी खराब कर देते हैं और बिलावजह बच्चों को डांटना कैसे उनकी जिंदगी पर असर छोड़ रहा है। सुनीता मार्शल ने कहा कि इस ड्रामे के बाद मेरा अपने बच्चों के साथ घर में रवैया बहुत दोस्ताना और मुख्तलिफ है और मेरे इस रवैये को शोर हसन अहमद ने नोट भी किया है। सुनीता मार्शल ने यह भी कहा कि आप अपने बच्चों को किसी और के साथ मुकाबले में मत लाएं, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी है और उन्हें हर मौके पर सपोर्ट किया जाए। पिंजरा ड्रामे को देखने के बाद बहुत से वालदैन ने इस तरह के अपने व्यूज पब्लिक के साथ भी शेयर किए कि ये ड्रामा देखकर हम भी अपने बच्चों के साथ बहुत चेंज हुए हैं, जिसमें से कुछ मेजर कमेंट्स ये थे। शी इज राइट, आई हैव वेरी मच चेंज माई बिहेवियर विद माई किड्स एज वेल, बींग मोर फ्रेंडली एंड मोर अंडरस्टैंडिंग। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड ड्रामा फॉर पेरेंट्स ट्रेनिंग। ऐसे ड्रामे सोसाइटी को अच्छी नस्ल दे सकते हैं। प्लीज स्टॉप इमोशनल एंड सास बहू टाइप ड्रामास। बिल्कुल सही कहा सुनीता ने, मैं भी ड्रामा देखने के बाद सोचने पर मजबूर हो गई एज अ मॉम। सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।